बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप और आपके अहले खाना तमाम खैर अफियत से होंगे। आज बेटा हमारा लेसन ओवरकोट, जो कि हमारी इस टेक्स्ट बुक का पांचवा लेसन है, इस पर आज बेटा हमारी गुफ्तगू होगी। ओवरकोट इसके मुसन्नफ है ग़ुलाम अब्बास, जो कि 17 नवंबर 1909 को अमृतसर में पैदा हुए, तलीम व तरबियत लाहौर में हासिल की और 1982 में इनकी डेथ होगी। सातवीं जमात के तालिब इल्म थे, तो जब तब इन्होंने पहली कहानी बकरी के उन्वान से लिखी और 2 नवंबर 1982 को कराची के अंदर इनकी डेथ हुई। अफसानी मजमू इनके बड़े मशहूर है, जाड़े की चांदनी, जिंदगी, निकाब चेहरे वगैरह वगैरह इनकी तसानीफ हैं। तो ओवरकोट कहते हैं कि जो बड़ा कोट लिबास के ऊपर पहना जाता है उसको हम जुब्बा भी कह लेते हैं। तो असल के अंदर इसके अंदर इस ओवरकोट जो सबक है, इसके अंदर बताया ये जा रहा है कि एक नौजवान जो बज़ाहिर बड़ा खूबसूरत था और उसके जिस्म पर ये बड़ा महंगा तरीन अच्छे किसी दर्जी का सिला हुआ था, लेकिन वो ऊपर से खूबसूरत लग रहा था, लेकिन असल के अंदर उसकी ज़िंदगी वो गुरबत वाली थी और वैसे वो महसूस ये करवा रहा था कि जिस तरह वो बहुत अमीर कबीर किसी शख्स का बेटा है, लेकिन हकीकत उसकी ये आशकारा तब हुई जब उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हुई, और फिर उसके बाद जब उसका लिबास उतारा गया तो फिर उसकी जो गुरबत वो लोगों के सामने आई। तो असल में इस सबक का जो असल जो लुबे लुबाब है बेटा, वो यही है कि इंसान चादर देकर पांव फैलाए, बंदा वही बने जो हकीकत के अंदर है, वगना वो एक न एक दिन हकीकत वाजी हो जाती। इस ओवरकोट सबक के अंदर जो अल्फाज वजाहत के वजाहत तलब थे, वो ज़रा मैंने कुछ इधर लिखे हैं, आप उसके मतलब बतलाता हूँ। एक लफ्ज़ इसमें आएगा फेल्ट हैट, ये इसका मफहूम है, मतलब इसका सर का एक पहनावा, ये टोपी है, कैप है जो यूरोप के अंदर पहनी जाती है। तो ये एक सर का पहनावा, जिस तरह ये टेस्ट मैच होते हैं और उसके अंदर वो गोल कैप्स इस्तेमाल होती है, तो इस तरह ये उस नौजवान ने ये उसको पहना हुआ था। गुलूबंद, ये एक बड़ा रुमाल जो गले के गिर्द बांधा जाता है, ये गर्दन के इर्द गिर्द ये एक कपड़ा होता है, उसको बोलते हैं गुलूबंद। उसके बाद कराकली, ये एक जंगली बिल्ले की खाल है जो बहुत कीमती होती, तो उसका बना हुआ एक कोट था, तो वो कराकली, तो कराकली क्या, ये एक जंगली बिल्ले की खाल है जो उससे वो कोट बनता। आर्कस्ट्रा, ये एक अंग्रेज़ी साज का नाम है जो 20वीं सदी में मकबूल हुआ, तो ये एक साज का नाम है। इस तरह इस लेसन के अंदर कुछ रोडों का जिक्र है, डेविस रोड, माल रोड, मैकलोड रोड। ये जो मैकलोड रोड, इस रोड पर हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला का घर भी था, तो ये लाहौर की मशहूर मरूफ सड़कों के नाम है। एक इसके अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लार्स गार्डन, ये लाहौर के मकाम पर एक तारीखी बाग है जिसको ये लॉरेंस गार्डन कहा जाता है। इसके बाद इस सबक में चेयरिंग क्रॉस, ये पंजाब सूबाई असम्बली की इमारत के सामने बिल्कुल ये एक चेयरिंग क्रॉस, ये एक चौक है, अब इसका नाम फैसल चौक रखा हुआ है। तो इसके अंदर ये कुछ मुख्तलिफ चीज़ें थी। जो मैकलोड रोड है, ये आजकल उसको जफर अली खां रोड भी कहा जाता है। तो अब हम इसके ज़रा खुलासे की तरफ आते हैं, तो वो ज़रा मुख्तसर मैं बयान करता हूँ कि जनवरी की एक शाम को एक खुशपोश, खुशपोश का मतलब होता है कि जिसने अपना अच्छा लिबास पहना हुआ हो, वो डेविस रोड अबूर करके चेयरिंग क्रॉस की तरफ फुटपाथ पर चलने लगा। सर पर उसने सब्ज फेल्ट हैट, गले में उसने सफ़ेद गुलूबंद जिसका भी मैंने जिक्र किया, और एक हाथ में उसने छड़ी पकड़ी हुई थी। जाड़े का मौसम था, जाड़े से मुराद है सख्त सर्दी का मौसम था, ठंडी हवा तेज़ धात की तरह जिसम से वो टकरा रही थी, लेकिन ये नौजवान इस मौसमी शिद्दत से बेनियाज बेपरवाह होकर बड़े मज़े से टहल रहा था। इसकी चाल में एक मखसूस बांकपन, बांकपन कहते हैं उरूज को, और वो अपने
करीब आने वाली टैक्सी और तांगे वालों को शुक्रिया या नहीं कहकर साथ डाल देता। यानी जब ये रोड पर चल रहा होता तो तांगे वाला या टैक्सी वाला कोई आता भी, चलो ये सवारी है, तो उनको वो नो थैंक्स कहकर टाल देता कि मैंने नहीं बैठना। तो वो माल रोड के बाहर होने किसी में पहुँचो तो उसकी शोखी और बांकपन में इजाफा हो गया। यकायक वो सीटी बजा कर रक्स की एक मखसूस धुन निकालने लगा। फिर अचानक जोश में आकर उसने बॉलर की तरह वो गेंद कराने की भी कोशिश की। लॉर्ड्स गार्डन को जाने वाले रोड इसने इख्तियार ना की और ओवरकोट की आस्तीन से रुमाल निकाल कर चेहरे को साफ किया। करीबी घास पर खेलते हुए बच्चों को उसने घूरना शुरू किया तो वो शर्मा कर भाग निकले। फिर ये एक खाली बेंच पर बैठ गया और नौजवान उस खाली जो सीमेंट का बेंच था, ई एम सी क्यूज में आ जाता है कि वो बेंच लकड़ी का था, लोहे का था या सीमेंट का था, तो आपने बताया ना कि सीमेंट का वो था, अपने सामने से गुजरने वाले जनो मर्द के लिबास को ज़्यादा गौर से देख रहा था और उसकी नज़र उनके चेहरों से कहीं ज़्यादा उनके लिबास पड़ी थी। इनमें हर तरह के लोग थे, बड़े बड़े ताजर, सरकारी अफसर, लीडर, फनकार, कालों के तलबा व तालबात, नर्सें, अखबारों के नुमाइंदे, सब कुछ ये सारे लोग मौजूद थे। नौजवान का ओवरकोट वो पुराना मगर बढ़िया यानी अच्छा था, सिलाई नहायत उमदा थी, क्रीजें नुमाएँ और सिलवट बिल्कुल भी नहीं थी। सड़क पर चंद लम्हा चलने के बाद उसने सड़क अबूर करने की कोशिश की मगर अभी आधी सड़क पार की तो एक गाड़ी बगोले की तरह आई और उसे कचलती हुई वो मिकलो रोड की तरफ निकल गई और वो उस पर ईंटें थी। लारी के ड्राइवर ने नौजवान की चीख सुनकर पर भल के लिए गाड़ी की रफ्तार कम की और फिर उसके बाद वो गाड़ी भगा कर ले गया। नौजवान की दोनों टांगें कुचल गई थी। जब इसे अस्पताल में स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया तो वहाँ उसका वक्त बादामी रंग का ओवरकोट नौजवान के जिस्म पर और सफ़ेद सिले का मफलर गले के गिरद लिपटा हुआ था। ऑपरेशन रूम में सर्जन और नर्स ने चेहरों पर जराही नकाब चढ़ाए उसकी देखभाल में मसरूफ थे और उसका धड़ टांगों से महरूम हो गया, लेकिन उसकी सार की जो मांग थी, जो कंगी थी, वो बिल्कुल नुमाया थी। जब उसका लिबास उतारा गया तो नर्सें हैरान हो गई, एक दूसरे को घूरने लगी क्योंकि मफलर के नीचे कमीज तक ना था। अब उसका यानी जो जहर तो बड़ा खूबसूरत था, बातिन उसका क्या था उस पर वो बता रहा है कि वो मफलर इस अंदाज से लिपटा था कि सीना दिखाई ना देता था। ओवरकोट के नीचे एक बुसीदा उन्नी स्वेटर था जिसके सुराखों से मैला बुनियान नज़र आ रहा था और बुनियान मुजक्कर बाद अब ये तस्कीर व तनीस में भी आ जाता है कि बुनियान मैला होता है या बुनियान मैली होती तो ये बुनियान मैला होता है जिस पर मैल की तह जमी हुई थी क्योंकि वो दो महीने से नहाया ही नहीं था। बजाय पेटी के पतलून को पुरानी टाई के साथ उसने यानी बेल्ट की जगह टाई के साथ उसने वो पैंट को बांधा हुआ था और पैंट में घुटनों पर सुराख थे जो कि ओवरकोट की वजह से नज़र नहीं आ रहे थे। ओवरकोट क्योंकि लंबा था तो वो जो पैंट घुटनों से फटी हुई थी तो वो नज़र नहीं आ रही थी। बूट और जुराबे उतारने पर मालूम हुआ कि दोनों जुराबे जो सॉक्स उनका रंग ही मुख्तलिफ था और दोनों वो एड़ियों से फटी हुई थी। बिला शुबा उस वक्त वो नौजवान फौत हो चुका था और ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से मुदरजा जहर अशिया बरामद हुई। एक छोटा सा कंगा, एक रुमाल, 6.5 आने, ये एमसीक्यूज़ में चीज़ें आ जाती होती हैं, एक बुझा हुआ आधा सिगरेट, एक डायरी, ग्रामोफोन रिकॉर्डों की फहरिस्त और चंद इश्तहार और बेद की छड़ी जो उसके पास थी वो लापता होगी। तो ये इसका मुख्तसर सा खुलासा था। इस सबक में हमने सबक और इबरत क्या हासिल करनी, वो यही बतलाया जा रहा है कि इंसान जितनी इस्तेदाद और जितनी ताकत और जितने माल की वो इस्तेदाद रखता है तो वो जाहिर भी उतनी ही करे। ये नहीं कि एक आदमी के घर के अंदर बिल्कुल गुर्बत ने डेरे लगाए हुए हैं लेकिन वो जाहिर सूटेड बूटेड होकर लोगों के सामने ऐसे नुमाया होता कि इस तरह वो बड़ा कोई अमीर ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंसान का जाहिर है उसका बातिन भी वही होना चाहिए। कल इंशाल्लाह ताला इसके मजीद इसके जो अहम इबारत उस पर हमारी गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।